नमस्कार बिग ब्रेकिंग न्यूज को स्वागत करुच्छी शक्ति। कलाहांडी सनशाइन पब्लिक स्कूल रा प्रिंसिपाल ममिता मेहर अपहरण घटना रे बड़ा खुलासा सामना को आसी एक वायरल ऑडियो जहाँ के खुलासा करुच्छी जे स्कूल रा मालिक गोविंद साहू किभली भाव रे तार अनैतिक संपर्क रहुथुला युवती मानक सहित झील मानक सहित जहाँ को नहीं कि ममिता मेहर ताको खोला चैलेंज करिथिले एवं ताको ए कथा को पर्दाफाश करिबे बोली कहिथिले से निखोज हमार दुई दिन पूर्वरु एक कथा चैलेंज करिथिले गोविंद साहू को 8 तारीख रे तांकु डाकिला गोविंद साहू स्कूल रा जे के मालिक स्कूल रा प्रेसिडेंट गोविंद साहू डाकिला जे मीटिंग अछि एवं बाटरु तांकु रिसीव करबा पई कहिला एवं सेबे थारु निखोज अछंती ममिता मेहर एक कथा एक वायरल ऑडियो जहाँ कि सोशल मीडिया रे वायरल होउछि जणे युवती एक कथा को कहउछंती जे तारा पूरा खेल बिगाड़ी देबे। एक कथा ममिता मेहर घटनार दुई दिन पूर्व अर्थात 8 तारीख दुई दिन पूर्व एक कथा गोविंद साहू को कहिथिले एवं तापर गोविंद साहू 8 तारीख दिन तंकु डाकिथिला मीटिंग नारे अधा बाटरु तंकु रिसीव करिवे बोली कहिथिला एवं सेबे थारु ममिता मेहर निखोज अछंती 10 दिन रो अधिक समय बीती गलाणी किंतु गोविंद साहू को आज पर्यंत पुलिस धरु नाही। एक कथा अभिजोग आसुची जे गोविंद साहू को अटक रखिथिला पुलिस पचरा उचुरा नारे किंतु अटक रखिकी ताकु खसाई देछि पुलिस ताकु फेरार करे देछि एबे कहुची जे गोविंद साहू फेरार हला जदि अटक रखिथिला जदि पचरा उचुरा करुथुला ताकु गिरफ कल नाही काहेकि ता विरोध रे सिंधेकला थाना रे 300 दफा 366 रे जदि मामला रुजु करा जाइछि ताहाले ताकु गिरफ न करी काहेकि खसाई दिया गला। बलांगीर पुलिस उपरे बड़ा प्रश्न सृष्टि होउछि एवं जो अभिजोग आसुचि लगातार भाव रे जेहेतु सीए गृह राष्ट्रमंत्री दिव्याशंकर मिश्रंकर घनिष्ठ सहयोगी सेइति पाई कि पुलिस जानी सुनी तांकु खसई देला कि ए प्रसंग रे आम प्रतिनिधि बलांगीर रु अछंति कलाहांडी रु अछंति तांका पाख को जीवा किंतु सर्वप्रथमे आपण को आमे से वायरल ऑडियो सुनैबा पाई चाहिबू जोथरे कि जणे युवती कहउछंती जे ममिता मेहर चैलेंज केभळि भाबरे गोविंद साहू को करितिले एवं तार खेल पूरा बिगाड़ी देबे। एक कथा ताकु चैलेंज करितिले एमाने तार खेल बिगाड़ीबा पाई योजना करतुले जेतेबेळे संपृक्त युवती एवं ममिता मेहर सेतेबेळे तांकु मीटिंग नारे गोविंद साहू डाकी अधा बाटरु रिसीव करी कहिला एवं सेबेठारु ममिता मेहर फेरार ममिता मेहर निखोज तांका विषय कौन सी खोज खबर मिलू ना 10 दिन अधिक समय बीतला मामला रुजु होई तांका भाई बंटी मेहर सिंधिकला पुलिस रे मामला रुजु करतला पुलिस मामला रुजु किंतु वर्तमान पर्यंत ममिता कौन सी खोज खबर मिलू ना। ए प्रसंग में आम प्रतिनिधि पाखक जावा अधिक सूचना कि प्रथम शुणी ना कौन कहते वायरल ऑडियो से युवती जनक प्रेसिडेंट डाकिला मत दिशा कहला कि निजे प्रेसिडेंट डाकिछि बोल कि नै कथा काहा कि नै कहबु तो मुई भाबली कि निजे काहा जे नै कहमि एतके बडी सुटी हिचे जदि के जानि के डाकिथिला के काना कहितले केना जणानि पडबो बोले केस टके नै जणा पडबा जे प्रेसिडेंट हिचे जे प्रेसिडेंट मीटिंग रोले डाकिथिला कि अलग नै डाकिथिला मीटिंग मोर हिसाब से मीटिंग बाबत डाकिथिला हेतके तो नै जाने मते मीता मैम कहितले कि निजे से खाली अधा रास्ता रु आनि जिवार छै प्रेसिडेंट सर बोली किना प्रेसिडेंट सर जाउन कि गाडी पठुन जे भी जाउ सेटा बट प्रेसिडेंट सर डाकिथिले मे से प्रेसिडेंट गुटे कथा तो सुन जानिए कथि जे प्रेसिडेंट गोस मंग सा लिंक रोसी बोले खराब रिलेशन रखसी बोली किना तो मते बोले मते डाउट कहले जे लागु छी मैम के कह दो से कथा पहला कथा हला मैम ने के आ गुटे कथा मैम प्रेसिडेंट के निके ओपन चैलेंज करथिले मु तते बर्बाद करमी बोली किना प्रेसिडेंट के हां प्रेसिडेंट के हां तुई जन इटा माने करूछु तते मैं बोले ओपन चैलेंज करथिले प्रेसिडेंट के बर्बाद करमी बोली किना ते दिन आगरु मम्मी मैम कहिथिले प्रेसिडेंट के ओपन चैलेंज करथिले कि जे काना का तते मैं बर्बाद करमी तोर जितकी भी बोले जन खेल खेलिछु सब सपोर्ट सामना के आनमी बोली किना आउ इटा आमे मने का प्लानिंग करथिलु ना बट मैम इटा आमे मैम तार सामना ने कहि दिसले जे तते एंता करमी बोली किना मतलब तमे प्लानिंग करथिला कि प्रेसिडेंट रो सब से जाजाना भी करथिला बुरा काम तब हां तर पर्दाफाश करबो बोली किना मैम एका कहितिले एंता पर्दाफाश करबा के पडबार करमा
तथार सबू खेल पर्दाफाश करदे। गोविंद साहू एक कथा ममिता मेहर ताकू चैलेंज करते बर्बाद करदे एक कथा कही तार दुई दिन पर मीटिंग ना गोविंद साहू ताकू डाकिला अधा बाटर नब बोली कहला से ममिता मेहर निखोज। तो ये पूरा घटना रे गोविंद साहूर भूमिका पूरा संदेह घर को आसुची। परिवार लोके मध्य से अभियोग करुछंती किंतु पुलिस कहुची गोविंद साहू फेरार अच्छी। दस दिन पर्यंत पुलिस करुथिला कौन एक मध्य जिते बड़े सामना को आसुची जे पुलिस ताकू अटक रखी पचरा उचरा करुथिला थाना रे ताले ताकू बांधिलानी काहीं कि गिरफ कलानी। तरुण साहू आम प्रतिनिधि बलांगीर अधिक अपडेट सहित जोड़ी होती। तरुण गोविंद साहू एवं कौटी पुलिस कौन कहूँ एक कथा जो खबर आसूला जो गोविंद साहू को अटक रखी पचरा उचरा कराला कौ पुलिस अटक रखी जदि अटक रखी ता विरोध में मामला अच्छी ता विरोध में संगीन अभियोग अच्छी ताले से फेरार है केमी पुलिस कौन कौन तरुण देखो शक्तिशाही जिते बड़े बंटी ममिता मेहर जो प्रिंसिपाल रही भाई आठ तारीख में रिटिन अभियोग कलापर तेरह गत तेरह तारीख में सिंधेकेला थाना एफआईआर रुजु होला। एफआईआर रुजु होबार दिनक पर गोविंद साहू को पुलिस उठेला किंतु पुलिस उठाइबा पर चार दिन छः दिन पर पुलिस उठेकि क्यों थाना पुलिस तदंत करू ता स्पष्ट कर नाला और जहाँ गत काली खबर आसूची राति आठटे टीटलागड़ बैरेग्रु पुलिस हेफाजत गोविंद साहू सनसाइन पब्लिक स्कूल मालिक गोविंद साहू फेरार मारी ताफल बलांगीर सोनपुर कलाहांडी एवं छत्तीसगढ़ सीमा को सील कर पुलिस दसटी टीम गोविंद साहू को धरने पर उद्यम करुँचार कही रखे जेहेतु आईपीसी धारा 366 अनुसार मामला रुजु होता तो पुलिस ताकू उठला गिरफ्त करने कथा गिरफ्त करी रिमांड में नहीं तदंत करने कथा किंतु ता बलांगीर पुलिस कला ना और खसैवापी पुलिस गोटे प्रकार उद्यम करके गत काली चर्चा हो बलांगीर टीटलागड़ थाना मालिक गोविंद साहू चंपट मारी जे टीटलागड़ थाना के रखा जाइला जदि ताकू रखाला तेल ताकू कहीं गिरफ्त करा जाई नथिला पुलिस से संपर्क में कौन कहूँ तरु देखो शक्तिशाली जब भाव में गोविंद साहू को उठेला और उठेबा पर तुरंत गिरफ्त करने कथा और गिरफ्त करी रिमांड में आने कथा कहीं जेहेतु आईपीसी धारा 366 अनुसार मिनिमम 10 वर्ष सजा देवार दोषी देवार सजा देवार व्यवस्था रही किंतु केवल पुलिस गोविंद साहू को उठाई आणिकी गुप्त स्थान में पचरा उचरा करुला क्यों थाना अटक रखी पचरा उचरा करुच्चा बलांगीर पुलिस स्पष्ट कर नाला गणमाम सामना जहाँ खबर आसूरी गत काली राति 11टे टीटलागड़ बाराकुरु गोविंद साहू फेराक मारी तो टीटलागड़ पुलिस जदि ताकू 13 तारीख पर अटक रखी एत दिन पर्यंत 13-17 तारीख पर्यंत कहीं आरेस्ट करा जाई नथिला कहीं गोविंद साहू को गिरफ्त करा जाई नथिला नियम कहुची 24 घंटार अधिक समय कौन अभियुक्त को अटक रखा जाई पारिब नाही आरेस्ट करबा को पड़ कोर्ट फॉरवर्ड करबा को पड़ किंतु एटी गोविंद साहू को कहीं गिरफ्त करा जाई नथिला ताकू जानी सुनिकी फेरार हाबापाई सुजोग देला कि टीटलागड़ पुलिस ए प्रश्न मध्य उठुची एवं ए अभियोग एथिपाई आसुची जे पुलिस जानी सुनिकी निष्क्रियता प्रदर्शन करुची गोविंद साहू को गिरफ्त करूना कारण पुलिस एटी कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र इशारा रे काम करुची बोली अभियोग आसुची। गृह राष्ट्र मंत्री घनिष्ठ सहयोगी होती गोविंद साहू एक कथा आम गत काली देखाइलु जे कि भाव सेठी कॉलेज आनुआल फंक्शन रे मंत्री प्रताप जेना भूयसी प्रशंसा करुले गोविंद साहू कर देखू जे खोद कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र कि भाव प्रशंसा पोति पकाउंट गोविंद साहू को से गोविंद साहू जहाँ विरोध में अभियोग आसी वायरल ऑडियो रे युवती कहते जे झील मानक सहित तार इलीगल रिलेसनशिप रोला कौन कहते कैप्टन मिश्र गोविंद साहू को किभली भाव रे तार प्रशंसा करछंती सुनंतु आज दउ छै आपन मान के नमस्कार करू कॉलेज 5 वर्ष भीतर जा करी छन गोविंद साहू को बहुत बहुत धन्यवाद देबी पूरा टीचिंग स्टाफ के देबी 6 वर्ष पूर्व कॉलेज रे परिस्थिति कारण थिला समस्त वयस्क सामना ने वयस्क जानि छ और आज मालिंग कॉलेज रे गुते बहुत बड ना ओडिसा रे अछे हमर पिला माने जनता रिजल्ट करू छन तार सहित पक्का पक्की 6टा जिल्ला आज समस्त ये देखो स्टेज पे भी आवाज आसी छी
ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇ କଲେଜରେ ଯିଏ ପଢ଼ିବ ଆପଣମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିତ ଏଇ କଲେଜରୁ ପଢିକରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକେ ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଆଜି ଆସୁଛି କାରଣ ଯେ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜକେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ଯାହା ମାଗିଛୁ ଏ କଲେଜ ଲାଗି ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ମଞ୍ଚ ଜିମ୍ ଏ ହଷ୍ଟେଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ମାଗିଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଜୋରଦାର ଗୋଟେ ତାଲି ହଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ସବୁବେଳେ। तो आप शुणुले कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र मुहरें गोविंद साहू भूयसी प्रशंसा मुख्यमंत्री आशीर्वाद रही महालिंग कलेज उपरे जो महालिंग कलेज मालिक होती गोविंद साहू एवं ये कलेजर सुनाम संपर्क में वर्णना करुले कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र किंतु आज जो गोविंद साहूर एत प्रशंसा करुले से ही गोविंद साहूर ना पड़ुची जे सी झील सहित इलिगल रिलेसनशिप रखुला ममिता मेहर अपहरण पचरे हाथ रही कि पुलिस रे वर्तमान गोटे फेरार अपराधी पुलिस आगे पुलिस ताकू खोजुची तो ये बड़ प्रश्न उठू जे जेहेतु ये सरकारी दलर नेता मानकर खास दिव्यशंकर मिश्र खास तो से पुलिस जाशु गोविंद साहू को खसई देला कि टिटलागढ़ पुलिस अंकुर अग्रवाल आम टिटलागढ़ प्रतिनिधि ए संपर्क में अधिक अपडेट सहित जोड़ी होती अंकुर जो कथा खबर आसूची जे टिटलागढ़ पुलिस अटक रखी गोविंद साहू को एवं सेठू फेरार हो जाए गोविंद साहू केबेठू अटक रखी टिटलागढ़ पुलिस एवं किभली से पुलिस कस्टडी रु फेरार होगला कौन कह पुलिस ए संपर्क में कौन सूचना अच्छी ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ଅଛୁ। ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ଖବର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଯେ କାଲି ରାତି 9:30 ସମୟରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୁଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଫେରାର ମାରିଯାଇଛି ଏବଂ କାଲି ରାତି ଠାରୁ ହିଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୁଲିସ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରି ଖୋଜାଖୋଜି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୁଲିସ ଯେହେତୁ ତାହାକୁ 3 ଦିନରୁ 4 ଦିନ ହେଲା ରଖିଛି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଡିରେ ରଖିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଲା ନାହିଁ ଏହା ହଉଛି ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ଦିନ କଷ୍ଟଡିରେ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ନାହିଁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଇଏ ତ ଏକରେ ଆଇନର ନିୟମ ରଖିଲା 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାହାକୁ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଅଟକ ରଖିପାରିବନି ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ନିୟମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ କାହା ଇସାରାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଗିରଫ ନ କରି ରଖିଥିଲା ବା ବାରେ ପୋଲିସ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରୁ ଖସି ଯାଉଛି ପୋଲିସ ଏ ଯେଉଁ ନାକାବନ୍ଦୀ କରୁଛି ଏ କ'ଣ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଯେ ଆମେ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ 3 ଦିନ କାଳ କାହିଁକି ତାକୁ ଗିରଫ କରିନଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ କାହା ଇସାରାରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରି 3 ଦିନ କାଳ କେବଳ ଅଟକ ରଖିଥିଲା କାହିଁକି ଆଇନ ସହିତ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଆଇନର ଶାସନ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁଛି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ 366 ଦଫା ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ କାହିଁକି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଖସେଇ ଦେଲା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଖସିଗଲା ଏବଂ ଏବେ ଏ ନାକାବନ୍ଦୀ ଏ କ'ଣ କେବଳ ନାଟକବାଜି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ତାକୁ ଖସେଇ ଦେଲା କି ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନର ଏ ଅଡିଓ ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଶାସକ ଦଳର କେତେ ଖାସ ଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଶାସକ ଦଳର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା କେବଳ ଶାସକ ଦଳର ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା କଥା ନିଜେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହୁଥିଲେ।
हाँ शक्ति साहे देखंतु ए वीडियो रो ही जणा पडुची जे गोविंद साहू एवं गृह मंत्री को माने किभली संपर्क रहिची ए वीडियो रो ही माने पूरा प्रमाण जणा पडुची केवल गृह मंत्री कहि कि आपण देखंतु प्रताप जेना मध्ये आसी चंती एवं अन्य मंत्री माने भी आसी कि जो कॉलेज रो जो विभिन्न फंक्शन थिला विभिन्न कार्यक्रम थिला सेठी से माने योगदान दे चंती किंतु वर्तमान एबे गोटे बड़ प्रश्नबाजी सृष्टि होईची शक्ति साहे जेतु पुलिस कब्जा रे गोटे लोक थिबो एवं से पुलिस कब्जा रो गोटे जहाँ को मैंने कहा को संदेह आणिकी अटक रखा जाऊँगी एवं से पुलिस कस्टडी गोटे अपराधी बोल के जेहेतु वर्तमान से लोकटा वर्तमान फेरार अच्छी जेकि गोविंद साहू पुलिस कस्टडी फेरार हो जाती भाव में ये बलांगीर पुलिस जो कार्यदक्षता उपतान प्रश्न उठी आउ गोटे कथा है जेहेतु आठ तारीख रु बर्तमान निखोज होते जो ममिता मेहर और जो पर पक्ष भाई जहाँ जा थाना एफआईआर दे कि एफआईआर देकी एत दिन मध्य पुलिस गोटे प्रकार गणमाध्यम को अंधार रखिला ता परिवार को जो ममिता मेहर को परिवार को गोटे प्रकार अंधार रखिला एवं कोठीना कोठी ये जो गोविंद साहू को जो खसैबा पे एटा गोटे प्रकार चक्रांत चलीथिला बोली के आमे कहि पाइबा काहे कि ना जदि पुलिस ठीक भाबरे तार तदंत करी थांता ताहाले जो परिवार को जो ममिता मेहर को परिवार को सठिक तथ्य दे थांता जे आमे ताकू गिरफ करिछु किंबा अटक रखिछु किंबा कोर्ट फॉरवर्ड करिवु बोली कि किंतु ताहा मध्य सेठरो परिवार को सूचना दिया गला नाही कि गणमाध्यम के भी गोटे प्रकार अंधार रखा गला जे आमे ताकू अटक रखिचु बोल के किंतु एते दिन बीती गला परे अटक रख जने अटक रखिथिबा व्यक्ति किबोली भाबरे पुलिस कस्टडी रु पुलिस हेफाजत रु किबोली भाबरे जने फेरार हे पारुचे एटा ही कोलाहांडी किंबा बलांगीर पुलिस रो कार्यदक्षता उपरे प्रश्नबाजी सृष्टि हे जैछि एवं वर्तमान एबे गोटे जहा जणा पडछि जे जेमति कहा जाउतला जे जो गोविंद साहूंकर अनेक पॉलिटिकल लिंक रहिछि सरकारी दल सरकारी कलर अनेक लोकंकर नेता मंत्रीकर लिंक रहिछि बहुत बड़ बड़ लोकों पाखर तांकर लिंक रही बोधहुए से बलांगीर पुलिस आज खसई दि जाए बोल आम कहीपर से गोविंद साहू खसी जाइना केवल मैंने वर्तमान आम कहीपर ताक गोटे प्रकार ये करके खसई दि जाए बोल आम कहीपर कहीं वर्तमान ये घटना सारा राज्य में गोटे प्रकार हईचय सृष्टि कर कथा प्रमाणित होनिदिन धरी जदि जन को अटक रखाला कहीं गिरफ्त कराला तो निश्चित रूप से काठगड़ा को वर्तमान आसुची बलांगीर पुलिस बलांगीर पुलिस रो भूमिका पूरा संदेह घर रे ममिता मेहर अपहरण घटना रे तो बलांगीर पुलिस तीन दिन काल अटक रखिला कहीं कोर्ट फॉरवर्ड करा गला नहीं गोविंद साहू को कहीं खसई देवाई सुजोग सृष्टि कला बलांगीर पुलिस टिटलागढ़ पुलिस एक कथा बड़ प्रश्न छिड़ा होती खसई दिगला कि जाशु कि जेतु से शासक दल अति खास जेतु शासक दल बड़ बड़ नेता आशीर्वाद रही जेतु गृह राष्ट्रमंत्री दिव्य शंकर मिश्र से अति खास सहयोगी तो से कि गोविंद साहू को टिटलागढ़ पुलिस जाशु खसई देला कि ये प्रश्न उठू कलाहांडी पुलिस बलांगीर पुलिस भूमिका वर्तमान संदेह घर में दस दिन बीती गला ये घटना को वर्तमान पर्यंत ना ममिता मेहर का संपर्क में कौन सी खबर पुलिस को मिलला ना मुख्य अभियुक्त जी घटनार गोविंद साहू ताकू गिरफ कर पारा पुलिस 13 तारीख रु अटक रखिला एवं 13 तारीख पर अटक रखिकी तीन दिन पर खसई देला ए अभियोग वर्तमान आसुची टिटलागढ़ पुलिस ऊपर को तरुण वर्तमान जितेबाला वायरल ऑडियो सामना को आसी ये वायरल ऑडियो रे जो भली भाव जन युवती कहते जे प्लान आम करूँ दुई दिन तलु ताकु खुलासा करदेबु ता खेल बिगाड़ी देबु पर्दाफाश करदेबु एक कथा ममिता मेहर गोविंद साहू को चैलेंज करते तो ये जो युवती ऑडियो वायरल होे से युवती जेकि ममता मेहर कर सहयोगी थे एवं उभय मिसिकी योजना करते गोविंद साहूर कला कारनामार पर्दाफाश करने तो से युवती संपर्क में किसी जना पड़ा कि ये वायरल ऑडियो को पुलिस तदंत परिसरभुक्त कला कि तरुण निहाती भाव में देखो शक्ति साई ये गोटे भाइराल ऑडियो नुहे ये जो ऑडियो अच्छा से जो सनसाइन पब्लिक स्कूल जो शिक्षयित्री और जहाँ
ମମିତା ମେହର ଯିଏ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା କଥା ପୁରା ସତ କଥା କଲେଜରେ ଯାହା ଘଟୁଥିଲା ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ମମିତା ମେହରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଡ଼ିଓ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଦେବ। ସେହି କଲେଜରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଚାଲୁଥିଲା ସେହି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମମିତା ମେହର କାଳେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଦେବେ, ପୁରା ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେବେ। ସେହି ଭୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଗତ 8 ତାରିଖରେ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ଅଫିସରେ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି କହି ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦାତରା ନିକଟରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ଅଛି ଯାହା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକି ନା ସେହି ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଚାଲୁଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମମିତା ମେହର ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ସମୟରେ ତାହାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର କଳାକାରନାମା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏହା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅପହରଣରେ ସେହି ସ୍କୁଲର ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ହାତ ଥିବା ମମିତା ମେହରର ଭାଇ ସିନ୍ଧେକଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଧରି କେଉଁଠି ଅଟକ ରଖିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଯେହେତୁ 366 ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ବା ଦଫା ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରିବା କଥା, କୁହାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବାରାକରେ ରଖୁଥିଲେ କାହିଁକି ଏବଂ ଏ ଗୋଟିଏ ଇସାରା କରୁଛି ଯେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସାରାରେ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ହିଁ ସ୍କୁଲ ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଫେରାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ଏବେ ପୋଲିସର ନାଟକବାଜି ଚାଲିଛି ଯେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାହାନା କରୁଛି। ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଗୋଟିଏ 366 ଧାରା ଦଫା ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିକି 3 ଦିନ ଧରି ଖସାଇଦେଲେ ଆଉ ଏବେ ନାଟକବାଜି। 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରୁଛୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଧରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ 3 ଦିନ କାଳ ଅଟକ ରଖିକି ଏକରେ ତ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରନାହିଁ, ନିୟମ ରହିଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା କଥା, ତାହେଲେ କାହିଁକି 3 ଦିନ କାଳ ଅଟକ ରଖିଥିଲ ପୁଣି ବାରାକରେ? କେମିତି ସେ ବାରାକ ଭିତରୁ ଖସିଗଲା, ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରୁ ଖସିଗଲା ନା ଖସାଇ ଦିଆଗଲା? କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବେ କ'ଣ କହିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରଶଂସାରେ ଯାହାର ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟରେ ନାଁ ପକାଉଛି, ଯାହା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏ କଥା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଇରାଲ ଅଡ଼ିଓ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଏ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥାନ୍ତେ ମମିତା ମେହର, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମିଟିଂକୁ ଆସିବାକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି ଯେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ପୋଲିସ 3 ଦିନ ଅଟକ ରଖିଲା, ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ବାରାକରୁ କେମିତି ଖସିଯିବ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାକୁ କାହିଁକି 3 ଦିନ କାଳ ଗିରଫ କରା ନଯାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଗଲା ନାହିଁ? ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ତା ଉପରେ ଅଭୟହସ୍ତ ରହିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଖାସ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲାନି? ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବେ କି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛି କି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ? ନହେଲେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 10 ଦିନ ଲାଗିଯିବ, 3 ଦିନ କାଳ ପୋଲିସ ବାରାକରେ ରହିବା ପରେ ସେ ଖସିଯିବ, ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଇଏ ସମ୍ଭବ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ କି ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି କାମ କରୁଥିବ, ଜଣେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବ। ଏବଂ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକବାଜି ଚାଲିଛି ନାକାବନ୍ଦୀ, ଏକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗିରଫ କରିବାର ଯଦି ଅଭିସନ୍ଧି ଥିଲା ପୋଲିସର, ତାହେଲେ 3 ଦିନ କାଳ କାହିଁକି ଅଟକ ରଖିଥିଲା, କାହିଁକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିନଥିଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ଯାହାର ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ସେ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲରେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି, ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସକୁ। ତ ସମୟ ହୋଇଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁନାହୁଁ।
ए प्रसंग यार लॉजिकल एंड पर्यंत पहुंचा पर्यंत ममिता मेहर कुआडे गले या पछरे गोविंद साहू को भूमिका कौन से स्कैंडल अभियोग प्रकृतर सत कौन यार खुलासा न होगा पर्यंत ए खबर को लगातार भाव में आम प्रसारण करूँ। किंतु वर्तमान पर बिग ब्रेकिंग न्यूज को रखू। नमस्कार।